हेलो बच्चों, कैसेन केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो एल्कोहल का हमारा टॉपिक है वो है एथिल एल्कोहल की औद्योगिक निर्माण की विधि। अभी तक हमने एल्कोहल में और भी टॉपिक इम्पोर्टेंट पढ़े हैं, तो वहाँ जाइएगा और प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको अन्य वीडियो मिल जाएंगे। वो भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एथिल एल्कोहल की औद्योगिक निर्माण की विधि के बारे में बात करेंगे। किण्वन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखेंगे सुक्रोज C12H22O11। ये क्या है? सुक्रोज। और इसका हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन, जल द्वारा इसे इस एंजाइम की उपस्थिति में, तो ध्यान रखिएगा इनवर्टेज, किस एंजाइम की उपस्थिति में? इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको तोड़ेंगे। और तोड़ने पे क्या होगा, ये किसमें टूट जाएगा? ये टूट जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा C6H12O6। इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। अब देखिए, ग्लूकोज क्या है? ये नमक और चीनी का मिश्रण है। और फ्रक्टोज क्या है? ये फलों में पाया जाता है। आप एक ग्लूकोज का डिब्बा ले लीजिए और कितना भी आप उसको पानी में घोल लें वो मीठा नहीं होगा, परंतु उसी जगह पर फ्रक्टोज एक सेब खा लीजिए कितना मीठा होगा। तो फ्रक्टोज ज्यादा मीठे होते हैं ग्लूकोज की तुलना में। और साथ ही साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण होता है इसको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? कैसी शर्करा है? इनवर्ट शर्करा। इस नाम से भी जानते हैं इसको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण होता है वो क्या होती है? इनवर्ट शर्करा होती है। अब क्या करेंगे हम? ग्लूकोज उठा लेंगे, ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, ग्लूकोज ले लीजिए या फ्रक्टोज ले लीजिए, और इसको हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति तोड़ेंगे। तो तोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल साथ में CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे 6 कार्बन है, इसके लिए क्या करोगे? 2 और 2 यहां लगा दीजिए, देखिए सब बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने, 6 यहां पर, ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 दूना कितना होता है? 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। इस प्रकार का हाइड्रोजन देख लीजिए कितने हैं, 12, 2 पंचे 10 और 10 और 2 कितने हो गए? 12। कार्बन कितने हैं? 6, 2 दुना कितना हो गया? 4 और 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार आपने देखा कि सुक्रोज से हमने क्या बना लिया? एथिल एल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया? एथिल एल्कोहल बना लिया। ये भी किण्वन विधि है। अभी हम लोग एक और पढ़ने वाले हैं, तो इसका आप ऐसा करें, इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे? सुक्रोज का क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे किस एंजाइम की उपस्थिति में? इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको तोड़ते हैं, तो ये प्राप्त होगा एथिल एल्कोहल और कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस प्रकार आप देखेंगे सुक्रोज से आपने क्या बनाया? एथिल एल्कोहल बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक क्या है? एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि है। अब बात करेंगे हम लोग स्टार्च के द्वारा, स्टार्च के द्वारा भी अभी एथिल एल्कोहल बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च का सूत्र कमेंट में लिखिए क्या होता है, स्टार्च का सूत्र कमेंट में लिखिए क्या होता है। स्टार्च होगा C6H10O5, ठीक है। ये क्या है? स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है जब शर्करा के 10 से ऊपर अणु हो, इसलिए यहां क्या लगा देंगे हम ब्रैकेट में? N। क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। N का मतलब है हम देखिए ये एक प्रकार की शर्करा ही तो है,
शर्करा के कितने अणु लेंगे? 10 से ऊपर लेंगे, 12 13 14 15 16। साथ में हम क्या करेंगे, जल अपघटन कर देंगे, जल द्वारा इसे तोड़ देंगे H2O को। अब जल द्वारा हम तोड़ेंगे तो अगर यहाँ पर हम 14 या 12 या 13 अणु लेंगे तो जल के भी तो उतने ही अणु लेंगे। तो यहाँ N का मतलब संख्या से है, जल के द्वारा इसे तोड़ेंगे। इस एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर होगा एंजाइम डायस्टेरेस। कौन सा एंजाइम होगा? डायस्टेरेस एंजाइम होगा। एंजाइम्स को बेहद याद रखिएगा, अगर बेहद आप नहीं याद रखेंगे तो इसके द्वारा ये चीजें होंगी ही नहीं। एंजाइम की वजन में क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ प्राप्त होगा C12H22O11। इसका क्या नाम है? माइटोस। क्या नाम है? माइटोस। और यहाँ क्या लगा दो? एल। जितने अणु यहाँ लोगे स्टार्च के, जितने अणु जल के लोगे उतने ही अणु तो माइटोस के प्राप्त होंगे। और एंजाइम कौन सा? डायस्टेरेस। अभी स्टार्च से आपने क्या बनाया? माइटोस बनाया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? माइटोस का क्या करेंगे? माइटोस का जल अपघटन करा लीजिए, ठीक है? ये लिख लिया माइटोस और यहां पर दो लगा दीजिए, यहां पर दो लगा दीजिए। इसका देखिए 6 × 12, यहां देखिए 12 है। एच कितने हैं? 2 × 20 और 2 कितने हो गए? 22। 22 है, ओ 11 होने चाहिए। 2 × 10 कितने हैं? 11। अब माइटोस का हमने क्या किया? जल अपघटन करा लिया। माइटोस को हम जल के द्वारा क्या करेंगे? तोड़ेंगे। किस एंजाइम की उपस्थिति में? तो एंजाइम ये सरल है, माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? माल्टेज एंजाइम। इसके द्वारा इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? यहाँ पर ग्लूकोज में टूटेगा। और ग्लूकोज के कितने अणु मिलेंगे? यहाँ पर ग्लूकोज के 2 अणु मिलेंगे। कितने अणु मिलेंगे? 2 अणु मिलेंगे। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा? ये क्रिया 3 स्टेप में है, 1 स्टेप हो गया, 2 हो गया, तीसरा। अब क्या करेंगे? ग्लूकोज को लेंगे C6H12O6, ये है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम क्या करेंगे? अभी आपने क्या किया था? जाइमेज एंजाइम लिया था कि नहीं लिया था? लिया था। जाइमेज एंजाइम द्वारा इसे तोड़ेंगे। किसमें टूट रहा था? कोई मुझे कमेंट में बताएगा? एथिल अल्कोहल में टूट रहा था और कार्बन डाई ऑक्साइड में। C2H5 को बोला एथिल और OH को क्या बोल रहे हैं? एल्कोहल। और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ दो दो लगा लीजिए, सब बैलेंस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप देखिए, आपने क्या किया? स्टार्च से क्या बनाया? एथिल अल्कोहल। वहां किससे बनाया था? सुक्रोज से एथिल अल्कोहल बनाया था। हिंदी कैसे लिखेंगे? स्टार्च का जब अपघटन करेंगे डायस्टेरेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या प्राप्त होगा? माल्टोस प्राप्त होगा। अब माल्टोस का हम क्या करेंगे? जब अपघटन करेंगे तो किस एंजाइम की उपस्थिति में? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज के कितने अणु मिल रहे हैं? 2 अणु मिल रहे हैं। अब ग्लूकोज का क्या करेंगे? हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आई होप फिडवन के द्वारा आपने बढ़िया पढ़ा होगा, स्टार से एथिल अल्कोहल बनाना और एक पढ़ा सुक्रोज से एथिल अल्कोहल बनाना। दोनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो व्हाट हैपन में पूछी जाए, क्या होता जब में, और चाहे ये आपके कोर्स में पूछी जाए। याद करके जाइएगा, इसको तैयार करके जाइएगा, जिससे आपके अंक ना कमाएं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।